सैमसंग ने लॉन्च कर दिए S9 और 9 प्लस, इनको हमारा हाथ जोड़ के नमस्कार। क्या सोचता हूं मैं इसके बारे में, क्या है मेरा विचार, ये सुनने के लिए आपको रखना पड़ेगा बस थोड़ा सा सबर, क्योंकि पहले दे दूं मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन की खबर। बस तू कहां से आ गया मच्छर। तो सबसे पहले बात करते हैं, शुरुआत करते हैं इसके थोपड़े से। S9 में मिलेगी आपको 5.8 इंच और S9 प्लस में मिलेगी आपको 6.2 इंच QHD प्लस कर्व सुपर अमोल्ड डिस्प्ले इन्फिनिटी है भैया, और बेजल्स को भी रिड्यूस किया गया है। कैटरीना की फोटो देखने में आपको कोई दिक्कत ना है, इस बात पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। प्रोसेसर दिया गया भैया पावरफुल क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845। इस प्रोसेसर के साथ फोन बिल्कुल मस्त चलेगा, पर दोस्तों खेद है भारत में शायद ये वाला नहीं मिलेगा। S9 में है रैम 4GB, 9 प्लस में है 6GB और दोनों में 64, 128 और 256GB स्टोरेज के वेरिएंट आपकी खिदमत में पेश हैं, और भैया दोनों में ही 400GB का मेमोरी कार्ड घुसेड़ सकते हो, ये बात विशेष है, बोलो जय माता दी। S9 प्लस में 3500mAh की बैटरी का दम है, S9 में 3000mAh है, ये थोड़ी कम है। और कैमरे की तो बात ही मत करो भैया, कैमरे के बारे में तो मेरे बहुत प्यारे प्यारे हैं ख्यालात। S9 में सिंगल 12 मेगापिक्सल और S9 प्लस में है सुपर स्पीड डुअल 12 प्लस 12 मेगापिक्सल, है ना कमाल की बात। और भी है, वेरिएबल अपर्चर है और स्लो मोशन की भी है इसमें अदा। इस कैमरे में है और भी कई गजब की सुविधा, जिससे आप लोगों के काले पेट की तो नहीं पर उनके साथ इंडिया गेट की वीडियो बना सकते हो। और भैया दोनों का फ्रंट कैम मिलेगा आपको मस्त 8 मेगापिक्सल का, जिसके द्वारा आप अपने खूबसूरत मुखड़े की खूबसूरत सेल्फी पा सकते हो। हाँ, FB पे अपलोड कर देना, लाइक भी मिल सकते हैं और गारंटी नहीं है कुछ गालियां भी खा सकते हो। और S9 का जो शुरुआती मॉडल है उसका जुर्माना पड़ेगा आपको $720, जो कि पड़ेगा 46,000 रुपए के आसपास, और S9 प्लस का शुरुआती मॉडल पड़ेगा आपको $840 का, जो पड़ेगा 54,000 के आसपास। भैया इतने का तो चांदनी चौक में लहंगा होगा, और हाँ जब भारत में आ जाएगा ये तो और भी महंगा होगा। और अब भाई मेरी भी दिल की बात सुन लो, फोन में कुछ मस्त अपग्रेड किए गए हैं, जैसे AR एमओजी, यहाँ पर कस्टमाइज एमओजी आपको मिल जाएंगे, अपनी पिक खींच के आप उसकी एमओजी क्रिएट कर सकते हो, ये एक अच्छा फीचर iPhone 10 जैसा ही कुछ कुछ है। साथ में आपको मिलेगा स्लो मोशन कैमरे में जो विशेष सुविधा दी गई है, ये बढ़िया है, 960 पर सेकंड के फ्रेम तक आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ये एक मस्त बात है। साथ में आपको जैसे S8 में कैमरे के साइड में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिला था, लेकिन यहाँ पे आपको कैमरे के नीचे मिल जाएगा, शायद ज्यादा कन्वीनियंट है, और आपको फेस रिकॉग्निशन और आइरिस स्कैनर भी आपको इसमें मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छे अपग्रेड है। यदि आपके पास S8 है तो आप कलर वेरिएंट इसमें आपको अच्छे मिल रहे हैं, कैमरे में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, तो आप अगर S8 को अपग्रेड करना चाहते हो और ये कारण आपको बेहतर लग रहे हैं तो आप ले सकते हो। भाई देखो फोन मस्त है, अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो फोन एकदम बढ़िया है। और अगर मैं बात करूं उन लोगों की जो मिड रेंज का फोन लेना चाहते हैं, मतलब बजट वाले फोन लेना चाहते हैं, मतलब जिनके पास पैसे कम है, दुख ज्यादा है और टसन मारने का ना कोई इरादा है, तो वो तो इस फोन को बेकार की बात है, जब जरूरत नहीं है तो लेना क्यों है। और भैया जिनके बैंक में पैसा भरा पड़ा है और टसन मारने का भूत बहुत चढ़ा है, वो इस फोन को ले लें, बढ़िया रहेगा। 2 मार्च से तो आपको US में मिल जाएगा और फिर 16 मार्च को भारत की बारी है। बस मेरा तो इतना ही था, अब नमस्ते हमारी।